पे एक और प्रॉब्लम जो ट्रिगो से ही रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे प्रॉब्लम में आता है। देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री की, राइट। अब इसके अप्रोच को ध्यान देना आप कैसे वर्कआउट किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है साइन 60 डिग्री को सबसे पहले आप रूट 3 बाई 2 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 40 और 80 पे 40 डिग्री को आप लिख सकते हैं 60 माइनस 20, 80 डिग्री को लिख सकते हैं 60 प्लस 20। इसका मतलब ये जो हो गया एक तरह से साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी के आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हो गया। मतलब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इस पूरे को लिखेंगे रूट थ्री बाई टू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20। इसको लिखेंगे रूट थ्री बाई टू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20। अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस आइडेंटिटी को। और ऐसे ही कुछ आइडेंटिटी है जिसको डायरेक्टली याद रखिए, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपने लिख दिया। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। मतलब अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा कि y will be equal to y, ये वैल्यू मैंने ले रखी है, तो y will be equal to root 3 by 2 sin 20 degree, ये as it is आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा sin square 60 degree minus sin square 20 degree इसकी जगह पे। अब sin 60 की वैल्यू root 3 by 2 होती है, तो इसकी जगह पे root 3 by 2 का whole square, that is it will give 3 by 4 minus sin square 20 degree। तो ये पूरा expression लिखा जाएगा root 3 by 2 sin 20 degree into 3 by 4 minus sin square 20 degree। यहाँ पे दोबारा एक और identity use होगी sin 3 theta की, क्योंकि जब आप इसको sin 20 degree को अंदर multiply करेंगे और simplify थोड़ा करेंगे तो आपका ये sin 3 theta का identity ले लेगा। कैसे वो देखते हैं, तो रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू यहां पे आ जाएगा। जब इसको साइन 20 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाता है 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। ध्यान दीजिए यह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जैसा कि पता ही है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके कुल होता है, साइन 3 थीटा के, दैट मीन्स इट विल बी सिंपली साइन 3 इंटू 20 डिग्री। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा रूट 3 बाई 8, क्योंकि 2 इंटू 4 ये 8 देगा, तो रूट 3 बाई 8 इंटू साइन 3 इंटू 20 डिग्री साइन 3 थीटा। और साइन 3 इंटू 20 डिग्री विल बी सिंपली साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 होती है, तो इट विल बी रूट 3 बाई 2, दैट मीन्स रूट 3 बाई 8 इंटू रूट 3 बाई 2 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 16। इस तरीके से ये प्रॉब्लम वर्कआउट किया जाएगा। ये भी एक अच्छे प्रॉब्लम है, राइट। अब एक और प्रॉब्लम कई दफे देखा गया आते हुए, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री को लिख देंगे आप sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 डिवाइड बाय cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। और दोनों की वैल्यू आपको निकालना आ चुका है, तो इससे आप बड़े कंफर्टेबली उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अब वैसे भी ये वाली वैल्यू 3 बाई 16 आई है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 की, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 की वैल्यू 1 बाई 16, जो कि मैंने कुछ सेशन पहले डिस्कस किया हुआ है। तो tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 इट विल गिव सिंपली 3, राइट। उसी प्रॉब्लम को और दूसरे अप्रोच से कर सकते हैं, tan थीटा की आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री की वैल्यू उस आइडेंटिटी का भी यूज करके करा जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, वो आप ट्राई करना खुद ही, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस किया है। आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आगे, और कुछ प्रॉब्लम में और आगे हम लोग और सेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।